देवरिया हत्याकांड जो कल तक अभी तक गुत्थी बना हुआ था, जिसकी पहेली को समझाने के लिए लगातार पुलिस लगी हुई थी। इसमें 15 से 16 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था, जो कि प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस सेवाओं में शामिल थे। इसमें अब जो है वो प्रेम यादव के ड्राइवर यानी जिसका नाम था अमरनाथ मिश्रा उर्फ पिट्टू बाबा, उसने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया था जो प्रेमचंद यादव की तरफ से थे। उनमें एक उनका ड्राइवर भी था जो खासम खास था प्रेम यादव का। उसने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि जो प्रेम यादव को फोन करके बुलाने की गुत्थी थी वो दरअसल गलत थी। प्रेम यादव को बुलाया नहीं गया था कॉल करके, बल्कि मारने वालों में जो जिन्होंने सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार को मारा है वो भीड़ थी और उनमें ये ड्राइवर भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक अमरनाथ मिश्रा ही गोली से सत्यप्रकाश दुबे और उनके बेटे और पत्नियों की हत्या करता है। उसने जो पुलिस को बताया है वो पुलिस के मुताबिक बयान उसने ये दिया है कि अब तक 20 लोगों ने अपना बयान देने से इनकार कर दिया था। सबने इधर उधर की बातें बताई थी, लेकिन जो अमरनाथ ने बताई थी उस पर अब पुलिस को विश्वास होना शुरू हो गया है। पुलिस के मुताबिक जो फोन करके सत्यप्रकाश दुबे को बुलाने की गुत्थी थी वो गलत थी। ये आरोप सरासर निराधार थे तरीके से, लेकिन जो सत्यप्रकाश को मारने की या फिर हत्या करने की जो बात थी वो अब पिट्टू बाबा यानी अमरनाथ ने कबूल की है। उसने बताया कि उस दिन असल में हुआ क्या था। उसके मुताबिक प्रेमचंद की हत्या की खबर सुनते ही गांव वालों में हड़कंप मच गया, लोगों के सर पर भूत सवार हो गया था। वो लोग उस समय वासी बन चुके थे और जैसे ही वो भीड़ सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचती है वहां पर प्रेम की शव को देखकर उन लोगों में भूत सवार हो जाता है और वो लोग केवल सत्यप्रकाश और उनके परिवार वालों को खोजते फिरते हैं। अंत में जैसे ही वो सत्यप्रकाश दुबे के घर में एंटर करते हैं वहां पर चूंकि उनका मकान जो है वो ईंट और पत्थरों का ऐसे ही बनाया गया था सामान्य तरीके से, तो वहां पर से लाठी डंडे और ईंट उठा लेते हैं और उन लोगों की कूच कूच कर निर्मम जान ले लेते हैं। इसके बाद पहुंचता है प्रेम का ड्राइवर, जो वहां पर जाते ही किसी से बंदूक निकाल लेता है और उसके बाद सत्यप्रकाश दुबे को गोली मार देता है। उनकी बेटी का बेटे गांधी और उनकी पत्नी को भी जान से मार देता है। इसके बाद बचता है एक बेटा जो अभी भी अस्पताल में मौत और जिंदगी से लड़ाई लड़ रहा है। वो लोग सोचते हैं कि ये मर चुका है, लेकिन असल में वो जीवित था, जिसे इस घटना के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अब से कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने भी गए थे। इसके अलावा कल ब्रिजेश पाठक और शलभ मणि त्रिपाठी ने भी मुलाकात की थी। आपको बता दें इस मसले को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर लिखा था कि एक पक्ष की तरफ केवल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अब रिजल्ट भी सामने आया है। कल चंद्रशेखर रावण का भी ट्वीट आया था कि उन्होंने कहा था कि योगी जी आप जो है वो शासक हैं और शासक का कर्तव्य होता है कि वो दोनों तरफ कार्रवाई एक समान करें। ऐसे में अब एक नया बोर्ड और आया है। दरअसल अब प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पहले एक बार फिर से तहसीलदार प्रेम चंद यादव के घर जाएंगे और वहां पर एक बार फिर से पैमाइश होगी कि वास्तव में जो चीज अब रिजल्ट आई है कि प्रेम यादव ने 0.006 एकड़ जमीन कब्जा किया था, उसे वास्तव में उसने कब्जा किया था या फिर गलत रिपोर्ट ही है। अब देखना यह होगा कि एक बार फिर से जब वहां पर तहसीलदार जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट में क्या सामने आता है और जो गुत्थी अभी तक सुलझाने की कोशिश की गई है क्या वो वास्तविक है या फिर पुलिस भी कुछ छिपा रही है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।